स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर स्पेशल ट्रेन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली बेस पे दोस्तों इस चैनल पे आपको नई नई रेलवे से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड रेलवे की तरफ से एक नई अपडेट आ गई है जो कि सभी रेल यात्रियों को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे रेल यात्री दोस्तों जो आने वाले कल में ट्रेन में सफर करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि रेलवे स्टेशन पर भूल कर भी न करें ये गलती, वरना आपको भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। जी हाँ फ्रेंड, तो आपके मन में ख्याल आता होगा आखिर कौन सी ऐसी गलती रेल यात्री कर देगा जिससे मतलब कि भारी जुर्माना उसको पे करना पड़ेगा। तो फिर अगर आपको नहीं पता होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे आज एक महीने से स्वच्छता अभियान चला रही है। जी फिर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन की सफाई की जा रही है, पटरियों की सफाई की जा रही है, मतलब स्टेशन के अगल बगल जितनी भी पटरियां उसकी साफ सफाई की जा रही है। दोस्तों साफ सफाई में रेलवे ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉई भी रखा है ताकि स्टेशन परिसर पूरी तरह से साफ रहे, गंदगी मुक्त हो जाए। ये दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में जितनी स्टेशन है सभी जोन के जो DRM है उन्होंने ये सभी काम करवाया है। तो फिर अब एक्चुअली में होगा क्या, जब भी आप ट्रेन में सफर करेंगे अगर आप स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाते हैं तो फ्रेंड वहां पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेलवे स्टेशन पे CCTV कैमरे लगे होते हैं। तो फ्रेंड ऐसा नहीं कि अगर आप कैमरे में आओगे तो ही आपको जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों वहां पे पहले से ही इम्प्लॉई रहेंगे जो कि दोस्तों सादे वर्दी में रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये एक्चुअली में अगर हम स्टेशन परिसर में गंदगी कर रहे हैं उसका जुर्माना भर रहे हैं, मतलब ये उसके स्लिप फाड़ेंगे उसका जुर्माना उसका पेनल्टी आपसे लेंगे, आपको थोड़ा भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सभी रेल यात्रियों से रिक्वेस्ट है आने वाले कल में किसी भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन से अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है या फिर बीच के किसी भी स्टेशन में आपकी जर्नी खत्म हो रही है या किसी भी स्टेशन से आप डाउन आप कर रहे हैं तो स्टेशन परिसर में गंदगी ना फैलाए। रेलवे कहना है कि पहले के मुकाबले हमने कूड़ादान की व्यवस्था बहुत ज्यादा कर दी, मतलब अगर आपको थूकना है तो जगह जगह उसकी व्यवस्था की गई है, आप इस जगह पे थूक लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको स्टेशन परिसर में गंदगी नहीं फैलाना है, पटरियों पे भी गंदगी नहीं करना है। ध्यान दीजिए कई बार क्या होता है कि जब ट्रेनें खड़ी होती हैं तो जहां पे बोगियां जुड़ी होती है लोग वहां पे थूक देते हैं, क्योंकि दोस्तों रेलवे सफाई अभियान चला रही है, स्वच्छता अभियान चला रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो रेलवे वर्क कर रही है उसके पूरे वर्क में आप पानी फेर सकते हैं, इसकी वजह से रेलवे ने जुर्माना लगाना चालू कर दिया है। करेंट टाइम से दोस्तों ये एक्टिव हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताना बहुत जरूरी था। अब बहुत से लोगों के मन में ख्याल आता होगा आखिर जुर्माना कितना लगाया जा रहा है, तो फ्रेंड अप टू 500 रुपीज तक जुर्माना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों स्टेशन परिसर में गंदगी करने से बचे, क्योंकि दोस्तों रेलवे अभियान चला रही है और उसमें दोस्तों आप रेलवे का साथ दीजिए। अगर दोस्तों कोई गंदगी कर रहा है तो आप उसको मना कीजिए। और दोस्तों रेलवे की तरफ से एक नई अपडेट आई थी कि रेल नीर अब आपको 15 रुपए में ही हर मतलब बेचने वाला हर वेंडर आपको 15 रुपए में ही देगा, 15 रुपए से ज्यादा वो नहीं दे सकता है, सभी को बोल दिया गया है। फिर भी अगर 15 रुपए से स्टाफ आपसे कोई पैसा लेता है तो फ्रेंड आप उसके खिलाफ तुरंत RPF स्टेशन मास्टर 139 पे इंस्टेंट कंप्लेन कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंस्टेंट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको ये छोटी सी अपडेट देने वाला था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताएं।